नमस्ते, बोधि संजीवन बोल रहा हूँ। आ गए वेस्ट बंगाल नदिया के अंदर कुलिया पाट में। यहाँ पर मेले लग गए। यहाँ पर एक मंदिर है, वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वो मंदिर में महाप्रभु श्री चैतन्य देव आए थे। दो उनका चेले था, वो दो चेले का जो अपराध था वो अपराध भंजन करने के लिए आए थे यहाँ पर। चलिए, ये मेले का आनंद हम लोग उपभोग करेंगे और मंदिर भी दर्शन करेंगे। नाम क्या है? सुजीत गिरी है। सुजीत गिरी, सब मेला में आ गए क्या? मेला में आया है। Thank you.
से आए हैं? आरामगढ़ से आए हैं। आपके नाम क्या है? पी गिरी। देखिए मेला में आ गए साधु संत आदमी। आपका नाम क्या है? प्रकाश जी आए हैं। कहाँ से आए? आरामगढ़ से आए हैं। कितना दिन रहेंगे? दो दिन के लिए आए हैं। देखिए संत जी ने हमको सिंगा बाजा के दिखाया। मेरा घर का नज़दीक ये एक बहुत शानदार मंदिर, ये कल्याणी स्टेशन का भी करीब 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पहले ही मैं बोला कि भारत का जो बढ़िया संत में एक है अवतार श्री चैतन्य देव। इन्होंने महानाम मंत्र को दुनिया में फैलाए और यहाँ पर आके उन्होंने एक अपराधी को माफ़ किए और उनको संत के तरफ ले गए। यही वही जगह है जहाँ पर उनका आने का जो याद, वो याद के हिसाब से जहाँ जिस दिन पर वो अपराध भंजन किए थे वही उस दिन पर मेला लगते हैं। हम लोग आज आए हैं उसी दिन में ही। जब ने चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे तब उन्होंने खुद अपने हाथों से एक पारिजात का पेड़ लगाया था। अजीब कहानी है, 500 बरस हो गया लेकिन माना जाता है वही पेड़ अभी तक जीवित है। और यहाँ पर है चापाल गोपाल का समाधि, वो भी हम देखेंगे। पहले चलिए पारिजात का वो पेड़ को हम देखेंगे। देखिए कितना पुराना है ये पारिजात, कोई कैसे वो जीवित है मालूम नहीं। इतना पुराना कोई पारिजात वृक्ष देखने को नहीं मिलता है। इसका कोई अंदर से कुछ एकदम खालीपन है लेकिन सब पत्ता जीवित है। आदमी लोग यहाँ पर मानत करते हैं, उनका इच्छा है पूर्ण करने के लिए ढीला बांधते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जिनको उद्धार किए उनको समाधि, छोटा एक समाधि है चापाल गोपालेर समाधि। पहले जीवन में बहुत खराब काम किए लेकिन भगवान का दया उनके मिल गए, भगवान का करुणा से उनका जीवन परिवर्तित हो गया, फिर उनको यहाँ पर समाधि बनाया गया है। यहाँ पर इतना एक अजीब सा मेयोसिस होता है ना, जब आदमी यहाँ पर आते हैं तब इतना अजीब सा मेयोसिस होता है कि बहुत मेडिटेटिव वेदर है। अभी मेले के लिए बहुत आदमी है, अलग समय में कोई आदमी आते नहीं, एकदम खाली रहते हैं। और बड़ा एक झील है, बहुत बड़ा झील है, और झील का इतना मनोरम हवा बहते रहते हैं, चारी पास एकदम खाली।
इतना बड़ा झील चार पास एकदम खाली, इसलिए सब समय ऐसा पानी का ऊपर में ढेव खेलते रहते हैं। मन का सुकून के लिए, शांति के लिए कोई आदमी यहाँ पर आ जाए ना, आधा घंटा बैठ जाए, तब उनका हम कन्फर्म है कि उनका शांति मिल जाएंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौर भक्तवृंद। महानाम के शुरुआत में हम लोग ये संत के नाम एक साथ उच्चारण करते हैं, फिर जो महानाम महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र आज दुनिया का आदमी को शांति सुकून दे रहे हैं। आप लोग ये मंत्र जप करके देखिए इसमें क्या आनंद मिलते हैं, क्या शांति मिलते हैं। आज पूरा वर्ल्ड ये मंत्र जप कर रहे हैं और ये जो स्पिरिचुअल प्लेस है ये सब बहुत पुराना दिन से ऊर्जा से भरा हुआ है। हम लोग यहाँ पर आएंगे ये ऊर्जा लेने के लिए। हर बरस पौष महीना का एकादश तिथि में ये कुलिया पाट मेला बैठते हैं। हम लोग सुबह सुबह आ गए, दोपहर में यहाँ दही चिड़ा का भोग बांटा जाएगा। आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बोलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग को उत्साहित कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुशी रहिए, आनंदित रहिए, भगवान आपका सदा मंगल करे। प्रणाम।